इमरान खान मर भी जाए फिर भी वोट उसको हम कब्र में देंगे, लेकिन हम शहबाज शरीफ को वोट, 13 जमातों को वोट नहीं देंगे। हम तो पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे, आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, हम तो कहते हैं कि बंदे गिनती करें, सही है अभी इलेक्शन करवाएं, सही है। हम कहते हैं कि ऐसे बंदे को छोड़ो, सही है, बंदे आ जाएं, देखते हैं कि कौन हारता है कौन जीतता है, सही है। इमरान खान इंशाल्लाह आएगा, सही है, हमारा दिल मानता है, हमारी दुआ है इमरान खान के लिए, सही है। मैं दुबई की जेल में था, सही है, दुबई की जेल में था, 3.5 साल सजा थी मेरे ऊपर, सही है, 50,000 दिरहम मेरे ऊपर जुर्माना था, 2.5 महीने मैंने जेल काटी है, सही है। उसके बाद शेख मोहम्मद के साथ इमरान खान आया है, जब उसने बयान किया है ना, मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, सही है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, सही है। इमरान खान ने जब हमारे साथ मुलाकातें की है, ऐसे रो रहा था कि जैसे मैं उसका बेटा हूँ, सही है, ना ही मैं उसका रिश्तेदार था, सिर्फ क्या है, वो भी पाकिस्तानी था, मैं भी पाकिस्तानी था, सही है। जो मेन चीज़ पसंद है ना, जब अमेरिका में गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने जिक्र किया है ना, सही है, ये बातें हमें पसंद हैं, सही है। हम इस दुनिया में आए हैं किस मकसद के लिए आए हैं, सिर्फ हमें इस्लाम चाहिए, इस्लाम है तो पाकिस्तान है, इस्लाम नहीं है पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें, सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू की है उसने, सही है, उससे लेकर फिर 57 मिनट उसने तकरीर की है, आखिर पे उसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाके बात ख़त्म की है, सही है। वो इस्लामी बंदा है, वो इस्लाम चाहता है, सही है। हम चाहते हैं कि अभी इमरान खान इसलिए हमें अच्छा लगता है, सही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेता है हमारा जहन खुल जाता है, हमें किसी चीज़ का पता नहीं था, हमें वोट की कोई अहमियत का पता नहीं था, हमें अपनी भी अहमियत का पता नहीं था, इमरान खान ने आके आँखें खोल दी हैं, सही है। बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, बड़े बड़े जरदारी बैठा है, नवाज शरीफ साहब बैठा है, सही है, इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं मिला हमें, सही है। सिर्फ क्या है, उसको एहसास है, गरीब आवाम का एहसास है, उसको क्या ज़रूरत है ये जंग लड़ने की, सही है, वो जाए लंदन में जाए सुकून की ज़िंदगी गुजारे, सही है। तो इसलिए आया है कि गरीब आवाम के लिए आया है, सही है, हम उसको वोट नहीं देंगे और किसको देंगे, हम मर जाएंगे, सही है, हमारे अंदर अगर खून है हलाली, हम वोट इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, जहाँ पर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, वोट तो जो इंसाफ के साथ चलेगा वोट तो उसी को मिलते हैं, इस वक्त जितना कुछ दबाया जा रहा है तरीके इंसाफ को, लेकिन वोट बैंक जो है वो तरीके इंसाफ का है जी, वो एक अच्छा लीडर है, ठीक है, नहीं करप्ट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो करप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो पाकिस्तान में सियासत जो चल रही है वो एक करप्ट सियासतदानों की सियासत चल रही है, जब तक मुल्क का निज़ाम तब जाकर बेहतर होगा, जब तक करप्ट इंसान जो है यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का निज़ाम जो है अच्छा होना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि हमें किसी को भी नहीं वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हम तो पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे, बस वैसे ही जैसे कि निज़ाम चल रहे हैं, आवाम भी उनके साथ है, सही है, तो फिर उनके साथ ही। हाँ, बस आपने घबराना नहीं है। नहीं होंगे, मैं वोट नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान ने इतना अरसा गुजारा लेकिन उनका कोई भी प्रोसीजर हमारे सामने नहीं आया, लेकिन जो नवाज शरीफ है उसने कम से कम रोड्स तो बनवा दिए ना। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं उसकी मद्देनज़र देखा जाए तो बहुत मुश्किल लग रहा है के होंगे, क्योंकि जो इमरान खान का जो चल रहा था, जो भी था मसला, वो तो हो चुका है सोल्व, उन्होंने तो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो अब हालात जो हैं उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होंगे। हाँ, अगर अब इलेक्शन होते हैं तो हम इमरान खान को देंगे, ना कि किसी पार्टी को देंगे, इमरान खान के साथ हैं, हमें मतलब वो लीडर पसंद है, उसकी नेचर पसंद है, बाकी उसका अल्फाज पसंद है, बोले हुए अपने बोले हुए अल्फाज पे रहता है, और एक बेहतरीन लीडर है हमारे लिए, तो हमारा मानना है ये सबसे पहले तो यही है, एक सबसे मशहूर हमारा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और उन्होंने घबराने नहीं दिया, और दूसरी ये कि है अपने सच, वो एक ईमानदार और सच्चा बंदा है, ठीक है, तो उस पर हमारा सपोर्ट करना बनता है, हम नौजवान हैं,
हमें जो ठीक लगेगा हम तो तकरीबन उसी साइड पे क्या नाम है चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आखिर तक इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। इंशाल्लाह हम तो दुआ मांगते हैं अभी भी हो जाए, हम वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। इमरान खान के बच्चे नहीं हैं, इमरान खान के जो बच्चे थे वो बीवी ले गई, वो खुद अमीर हैं, लेकिन इन लोगों को जो वज़ीर मशीत हैं बादशाह जितने भी बैठे हैं जो भी हैं छोटे बड़े अदालतें हैं जो भी हैं, इन लोग के बच्चे अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को के लिए मुल्क को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे, इंशाल्लाह दुआ करो। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है क्योंकि वो हमारे लिए वो सोच रहा है, वो गरीबों के लिए सोच रहा है, लेकिन जो वज़ीर मशीत हैं शोबाज शरीफ है वो किसी के लिए नहीं सोचता है, वो अपने बच्चों के लिए सोच रहा है। हम भी अपने बच्चों के लिए सोचेंगे, इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे। वो सियात कार्ड बनवाया था, ये देखो मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी बीवी का दो बार, ये मैसेज भी आया है। अच्छा दो बार मैंने ऑपरेशन कराया, फ्री ऑपरेशन हुआ, लेकिन क्या मेरे पास पैसा नहीं है? मैं गरीब था लेकिन मैं बहुत परेशान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इमरान खान को ज़िंदगी और हयाती दे। इमरान खान मर भी जाए फिर भी वोट उसको हम कब्र में मार देंगे, लेकिन हम शोबाज शरीफ को वोट 13 जमातों को वोट नहीं देंगे। इमरान खान ठीक है, अपनी जवानी में जो होता है होता है, जब इंसान को समझ आ जाती है ना तो वो अच्छा काम करता है, लेकिन वो अच्छा काम करने के लिए आया, लेकिन जो बड़े बड़े उसके बड़े अफसर बैठे हैं वो उसको काम नहीं करने देते। मैं सऊदी अरब में था, लेकिन मैं उस टाइम जेल में था, लेकिन जब इमरान खान जो है ना मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, इमरान खान ने जब ऐलान किया ना जो जेल में पड़ा है, और सऊदी अरेबिया बादशाह को बोला भाई जितनी मेरे पाकिस्तानी जेल में पड़ा है उसको छोड़ दो, मेहरबानी करो। मैं 3 साल जेल में था, जब इमरान खान बादशाह बना तो मुझे इमरान खान जेल से बाहर निकलवाया था। ये बात पसंद आई है? ये मेरी पसंद आई थी क्योंकि वो गरीबों के हक में था। ये मेरे पास शनाख्ती कार्ड है सऊदी अरेबिया, ये मेरे पास, ये पकड़ो। सर बेसिक तो इलेक्शन होने चाहिए, और हमारी हुकूमत ऐसी है कि कोई भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस होना कोई लीडर ऐसा चाहिए कि जो आवाम के बारे में सोचे, पब्लिक के बारे में सोचे, अपनी पाकिस्तानी आवाम के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पे जो कोई भी आता है वो हर इंसान अपने बारे में सोचता है। जैसे कि इमरान खान साहब हैं अच्छा काम कर रहे थे, न्यू जनरेशन थी, लेकिन उनकी हुकूमत में इतनी महंगाई हुई है कि हर बंदा परेशान है। जैसा कि नून लीगियों को आप कह लें, नवाज शरीफ की हुकूमत में तो बिज़नेस चल रहे थे, काम चल रहे थे, हर बंदा खुश था, और उन्होंने जैसा मुआहदा किया अवाम के साथ, पाकिस्तानी पब्लिक के साथ, कि वो इसको एक यूरोप का नक्शा देंगे, और उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। जैसा कि आप लाहौर को देख लें, अभी हम लोग इस मौजूदा लोकेशन पे हैं कलमा चौक पे, तो यहाँ पे क्या पोजीशन थी और अभी मौजूदा कंडीशन इसकी क्या है कि जो एक सफ़र आप घंटे में तय करते थे वो 10 मिनट में हम तय कर लेते हैं 15 मिनट में। तो मेरा यही है कि इलेक्शन होने चाहिए और हमारी फुल सपोर्ट है के नून लीग को आना चाहिए। नहीं होंगे।